अपने झारखंड प्रदेश में ठंड का मौसम धीरे धीरे अपनी गति पकड़ता जा रहा है। ये मौसम ऐसा मौसम है कि यदि इस अवधि में हम अपने बागों की समुचित देखभाल करें तो आने वाले समय में इससे अच्छे फल प्राप्त किए जा सकते हैं। आम के बागों में इस मौसम में मिलीबग या गुजिया कीट के पनपने की संभावना बहुत अधिक होती है। गुजिया कीट का जो हमारा प्रकोप होता है आम के बागों में दिसंबर से लेकर मई तक देखा जा सकता है, और ये कीट अगर उपज की दृष्टि से देखा जाए तो इतना महत्वपूर्ण होता है कि इससे कई बार 50% से लेकर 100% तक हमारी उपज में घटोतरी देखी जाती है। तो इसीलिए ये महीना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है इस अगर कीट के हम नियंत्रण की बात करते हैं तो। इसके लिए हमारे किसान भाइयों को इस बात का विशेष ध्यान देना चाहिए कि जमीन से जो मुख्य पौधे का मुख्य तना होता है जमीन से 40 सेंटीमीटर के ऊपर तक हमको मिट्टी का लेप लगा देना चाहिए, और उसके ऊपर 25 सेंटीमीटर चौड़ी 400 गेज मोटी पॉलीथीन से उसको पूरा उसको ऊपर लपेट देना चाहिए, और दोनों ही तरफ ऊपर और नीचे दोनों तरफ हमको सुतली से उसको अच्छे से बांध देना चाहिए, और इसके ऊपर फिर हम ग्रीस का लेप लगा देते हैं पूरी पट्टी के ऊपर। किसान भाइयों, इससे होता क्या है कि जो भी मिलीबग कीट है वो जमीन से ऊपर की ओर चढ़ता है पौधों में, और ग्रीस लगी होने के कारण वो ऊपर चढ़ नहीं पाता है। किसान भाइयों, ये प्रक्रिया जो होती है ये बहुत ही महत्वपूर्ण होती है इस माह में, क्योंकि अगर कीट पौधों के ऊपर पहुंच चुका है, ऊपरी शाखाओं तक पहुंच चुका है, तो इसका नियंत्रण बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो इस प्रक्रिया को ज़रूर करें, आगे के भी जो महीने होते हैं उसमें इस पट्टी को ज़रूर दुरुस्त करते रहें, और अगर उसमें ज़रूरत आपको लगती है तो उसमें ग्रीस का लेप ज़रूर लगा दें। किसान भाइयों, जो भी अगर आपको उसमें कोई कीट दिखाई देता है तो उसके नियंत्रण के लिए आप इमिडाक्लोप्रिड दवा का 1 मिलीलीटर 3 लीटर पानी में घोल के इस दर से आप छिड़काव कर सकते हैं। इसके अलावा अगर बात करते हैं तो एक कीट इसमें दीमक का भी प्रकोप आपके बागों में तनों के ऊपर देखा जाता है, तो उससे जो दीमक की वजह से जो मिट्टी का एक पूरी परत जम जाती है वो अगर आपके तनों में दिखाई देती है तो वो भी एक बहुत ही हानिकारक होती है। उसको कंट्रोल करने के लिए आपको क्या करना चाहिए कि जो अगर आपके पास गौमूत्र उपलब्ध है तो ये इसके नियंत्रण के लिए बहुत ही प्रभावी होता है। इससे पूरे पूरे तने को आपको वॉश कर देना चाहिए। जो बागों के सामान्य प्रबंधन की बात आती है, जैसे कि जो भी हम अपने फल बागों में देख रहे हैं, क्योंकि अच्छे पुष्पन के लिए अच्छे फलन के लिए दोनों के लिए जो हमारा छत्रक होता है आम का, उसका रोग और कीट रहित होना बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर आपको कोई भी ऐसी शाखा दिखाई दे रही है जो रोग से ग्रसित है, या जो पौधे को अनावश्यक जिसकी बढ़वार हो रही है और पौधे का जो छत्रक है उसको वो घना बना रही है, तो उनकी आप छटाई कर दें। उन शाखाओं की छटाई इस प्रकार से करनी है कि वो उसको चाहे तो आप जो डाली काटने वाली फल बागों में इस्तेमाल होने वाली आरी होती है या सिकेटियर की मदद से काटें। इसमें जैसे कि अभी किसान भाइयों को एक चीज़ की विशेष ध्यान की ज़रूरत होती है कि जो मुख्य तना होता है इसमें आपको चूने का घोल बना के उसमें गौमूत्र या तो डाल दें या तो ब्लू कॉपर डाल दें। इससे हमारे किसान भाइयों को जो मुख्य तना होता है उसमें जहाँ से मुख्य प्राथमिक शाखाएं शुरू होती हैं वहाँ तक उसमें चूने का लेप कर देना चाहिए। इससे भी हमारे कीटों का और रोगों का नियंत्रण अच्छी प्रकार से हो जाता है। इसके अलावा किसान भाइयों, इस समय की आपको जड़ क्षेत्र को ज़्यादा छेड़ना नहीं चाहिए, केवल हल्की गुड़ाई कर देनी चाहिए, जिससे जो भी कीड़े मकोड़े उस ज़मीन के अंदर हैं या उनके अंडे हैं ये सब अगर पड़े हुए हैं तो ये जो जड़ को हम जड़ क्षेत्र को थोड़ा सा उसमें हटा देते हैं, इसको थोड़ा सा जो गुड़ाई निराई गुड़ाई कर देते हैं तो इससे क्या होता है कि जड़ क्षेत्र खुला होता है और इनका नियंत्रण हो जाता है। किसान भाइयों, एक चीज़ पे आपको विशेष ध्यान देने की ज़रूरत होती है कि झारखंड राज्य हमारा ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे पानी की कमी की समस्या अक्सर देखी जाती है, तो मृदा नमी का जो संरक्षण होता है वो बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। तो उसके लिए आप मल्चिंग का इस्तेमाल अवश्य करें। हमारी धान की फसल लगभग कट चुकी है बहुत सी जगहों पर, तो अगर आपके पास पुआल उपलब्ध है तो पुआल को आप मल्चिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और थाले को ढक सकते हैं। इसके अलावा जो भी किसान भाइयों के पास अगर प्लास्टिक मल्चिंग उपलब्ध है तो उसका भी थाले को ढकने के लिए हमारे किसान भाई उपयोग कर सकते हैं। किसान भाइयों, अभी का जो समय है वो मिलीबग कीट के नियंत्रण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस कीट के नियंत्रण के लिए आप जमीन से 40 सेंटीमीटर ऊपर मिट्टी का लेप कर दें और उसके ऊपर 400 गेज मोटी पॉलीथीन शीट को बांध देते हैं सुतली की सहायता से, और इसके ऊपर ग्रीस का आप लेप कर दें। इससे क्या होता है, जो मिलीबग कीट है वो पौधों के ऊपर की तरफ नहीं चढ़ पाता है, और
इससे जो हमारा पौधा होता है और जो फूल होते हैं, टहनियाँ होती हैं और जो फल होते हैं, वो बचे रहते हैं। यदि इस समय इस कीट का नियंत्रण नहीं किया गया और पौधे के ऊपर एक बार ये शाखाओं तक पहुंच जाता है तो किसी भी अन्य दवा से इसका नियंत्रण बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए अभी के समय इस कीट से बचाव के लिए ये उपाय अपने खेतों में अवश्य करें। इस तरह से यदि आम में मंजर लगने से पहले कुछ बातों पर ध्यान दिया जाए तो इसके पेड़ों से आम का अच्छा उत्पादन लिया जा सकता है। विशेषज्ञों के मार्गदर्शन पर चलकर किसान भाई अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं।